और यहाँ पे हमारे जो स्टैंप वाले पेड़े हैं ये बनके तैयार हो गए हैं। तो गाइस पेड़े तो आप सभी ने खाए होंगे और ये आपको पसंद भी बहुत होंगे, लेकिन आज मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर में और यहाँ आपको दिखाऊंगा स्टैंप वाले पेड़े जो काफी फेमस है। सुलभ दूध भंडार से मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ गाइस, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी मेकिंग दिखाई जाएगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आप सभी को बहुत मजा आएगा। ये जो आप देख रहे हैं इस भट्टी में तैयार की जाती है, यहाँ की खोवे की जो मिठाई होती है उसको इस भट्टी में तैयार की जाती है गाइस। और ये कढ़ाई आ गई, कढ़ाई के ऊपर देखिएगा इस खोवा आ गया है। अब खोवा को अच्छे से मिक्स किया जाएगा गाइस, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आप सभी को बहुत मजा आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी वाला जो चूल्हा है उसमें खोवे को उठा जा रहा है। आप देखिएगा इस किस तरीके से बनाया जाता है, इतनी मेहनत के बाद में इसको नीचे में जो सील वाले स्टैम्प वाले पेड़े होते हैं बहुत ही फेमस है रायपुर के, तो इसको करीब आधा घंटा तक मिक्स किया जाएगा और आधे घंटे बाद हम चलते हैं नीचे में, तो आपको नीचे का क्या प्रोसेस होता है चल के दिखाऊंगा मैं। हमारे यहाँ के जो पेड़े हैं शुद्धता के कारण सारे मंदिरों में 365 दिन तक हर मंदिरों में जाते हैं, और जितने भी पूजा पाठ सुहागली पूजा ये सब में हमारा पेड़ है ही पूरे रायपुर शहर के छत्तीसगढ़ में आसपास जाते हैं। वैसे तो आज तक हर जगह अबॉर्ड मतलब फॉरेन न्यूजर्सी हर जगह गया है, बाकी उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध खोआ और शुद्ध चीनी से। जी जी। और जो सबसे पुरानी दुकान है रायपुर की सुलभ दूध भंडार, यहाँ पे हम आ गए और आप देख रहे हैं यहाँ पे सील लग रहे हैं पेड़ों में गाइस, ये आप देख सकते हैं। अच्छा सील में क्या लिखा रहता है? सुलभ दूध भंडार। ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं सुलभ दूध भंडार लिखा हुआ है, और गाइस यहाँ पे बहुत ही बल्क क्वांटिटी में ह्यूज क्वांटिटी में बिल्कुल बनाया जाता है मटेरियल को, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ट्रे। और गाइस ये पूरा अभी मॉर्निंग 8 बजे से इनका काम चालू हो जाता है। एक्चुअली मैं गाइस लेट हो गया हूँ, 10:50 टाइम हो गया है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से भैया यहाँ पे पेड़े लगा रहे हैं गोल गोल, और यहाँ पे गाइस सील लग रहा है। और डेली गाइस यहाँ पे इसी प्रकार से मटेरियल बनता है, अगर आप कभी मॉर्निंग में यहाँ पे 8 बजे से 11 बजे के बीच में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और शॉप को कितने दिन हो गए? 56 साल हो गए। अच्छा अच्छा, बाबा ने शुरू किए थे। अच्छा कौन? इधर गणपत राव एनले। अच्छा ये बाबा जी ने शुरू किए थे कितने साल पहले? 56 साल पहले। 56 साल पहले शुरू किए थे जी। जी अभी उनके लड़के दुकान को संभाल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील कुमार एनले। जी जी। और जो अपने शॉप का टाइमिंग क्या रहता है? अभी पहले तो 5 बजे खुल जाता था मॉर्निंग में जी, अभी तो 7:30 बजे खुलता है जी, 9:30 बजे तक रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये सील वाले पेड़ आपके इतने फेमस कैसे हो गए? ये तो शुरू से सील वाले पेड़ ही है। अच्छा अच्छा, पहले सील नहीं था तो मोम से वो सील लगा था। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी शॉप है, अगर आप कभी भी आते हैं रायपुर तो यहाँ के पेड़े जरूर खाएं, क्योंकि जैसे मथुरा के पेड़े के बारे में आपने सुना होगा, आगरा के पेठे के बारे में सुना होगा, लेकिन गाइस रायपुर का जो सील वाला पेड़ है ये काफ़ी फेमस है। तो अगर आप कभी भी आते हैं यहाँ पर रायपुर तो एक बार ज़रूर आए, और मैं लोकेशन भी चली आई ये बात कर लेते हैं। अंकल जी लोकेशन बता दीजिए, जो अपने शॉप का लोकेशन क्या है? सुलभ दूध भंडार जी, नवीन मार्केट के सामने जी रोड, ठीक है रायपुर। ओके अंकल जी, ठीक है गाइस, तो मैं जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए अगर आपको जो पेड़े की मेकिंग प्रोसेस है ये अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताएं वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, और मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोज लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।